इस साल हमने 35 लाख पौधों के लगाने का लक्ष्य दिल्ली के अंदर रखा हुआ है। इस लक्ष्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए 11 तारीख से वन महोत्सव की हमने सेंट्रल डिश से शुरुआत की थी। इस वन महोत्सव में हमने मेगा ड्राइव वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया, जिसमें अलग-अलग मंत्रियों ने, विधानसभा अध्यक्ष ने अलग-अलग जगहों पे जा करके इसमें शामिल हो करके इस अभियान को प्रोत्साहित किया, गति दी। आज इस वन महोत्सव के समापन का आखिरी दिन था। आज के समापन समारोह के लिए असोला भाटी माइंस के एरिया को चुना गया था। इस समापन समारोह के कार्यक्रम में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दोनों लोगों को जो है उसमें शामिल होना था। लेकिन ये इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, आज मीडिया के माध्यम से आप सबको ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा इस सरकारी आयोजन में कल रात प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर रात में पुलिस भेजी गई, और जो कार्यक्रम स्थल पर मंच लगा था, जो पंडाल था, उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। वहां जो लोग तैयारी में लगे थे उनको हटाया गया, और वहां पर कार्यक्रम के मंच पर जो बैनर लगना था उसको हटा करके जबरदस्ती पुलिस द्वारा वहां पर मोदी जी के फोटो के साथ वहां बैनर जो है लगाया गया, और लोगों को धमकाया भी गया कि अगर इसी इसको कोई छूता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये डिजाइन सरकार ने तैयार किया था वन महोत्सव के लिए, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और मुख्यमंत्री जी का चित्र था वन महोत्सव के समापन कार्यक्रम का। रात में पुलिस भेज करके इस बैनर को हटाया गया, और ये बैनर जबरदस्ती जो है वहां पर जो है बैनर लगाया गया पुलिस के संरक्षण में, पुलिस के द्वारा। आप अगर इसको देखेंगे तो इस बैनर के पीछे काली आपको एलईडी दिख रही है। कार्यक्रम का जो स्वरूप था उसमें ये था कि एलईडी पर जो बैनर हमने आपको दिखाया उसको फ्लैक्स किया जाएगा। उस एलईडी पर बच्चों को वहां जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम जो है वहां पर दिखाए जाने थे, लेकिन कल रात में अचानक पुलिस भेज करके और उस एलईडी के ऊपर जबरदस्ती इस बैनर को लगाना, ये समझ के परे है कि आखिर प्रधानमंत्री कार्यालय इस तरह के सरकार के कार्यक्रमों में मोदी जी का फोटो जबरदस्ती लगवा करके क्या संदेश देना चाहता है। दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं कि पहली बार वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है, दिल्ली सरकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस का काम लोगों को सुरक्षा देना है, पुलिस का काम मोदी जी का बैनर लगाना नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने पूरे एरिया को वहां पर अपने कब्जे में लिया है, अगर आप ये देखेंगे तो वहां चारों तरफ से ये पुलिस ने पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले रखा है। जहां पर कोई भी उनके इजाजत के बगैर अब वहां मंच तक नहीं पहुंच सकता। अभी अभी सूचना मिली है कि वहां पर अरविंद केजरीवाल जी के और कार्यक्रम के जो बैनर्स और जो होर्डिंग्स लगे थे उनको सभी जो है फाड़ करके फेंका जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से अचानक इतनी डर क्यों लगने लगी है।
लगातार पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए कोशिश हो रही है। हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया झूठे केस बना करके, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर झूठे केस बनाने का षड्यंत्र चल रहा है उनकी गिरफ्तारी के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर जाना था, उसकी फाइल रोक दी गई। और ये तो हद हो गई कि मतलब दिल्ली सरकार का कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम में अचानक मोदी जी की पुलिस भेज करके वहां अपने फोटो लगाने की अचानक जरूरत क्या पड़ गई। एलजी साहब को कार्यक्रम में आना था, एलजी साहब का वहां स्वागत था, एलजी साहब के लिए सारी तैयारी की गई थी, मुख्यमंत्री जी की तैयारी की गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस को आपने इस काम में लगा दिया। आज पूरे कार्यक्रम को एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया गया है। हम किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। वृक्षारोपण का अभियान हमने पहले भी किया है, 2 करोड़ से ज्यादा पौधे सरकार ने लगाए हैं और आगे भी हम जारी रखेंगे। इस साल जो हमने 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, उसमें अभी इस वन महोत्सव के दौरान अब तक इस वर्ष में लगभग 9 लाख पौधे हम लगा चुके हैं। 35 लाख जो पौधे लगाने का लक्ष्य है, आगे भी हम जारी रखेंगे। लेकिन आज जिस तरह से रात के अंधेरे में पूरे कार्यक्रम को हाईजैक किया गया है पुलिस के दम पर, उसको देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि अब ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम की जगह प्रधानमंत्री जी का एक पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी को आना भी नहीं था। इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, उस कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे। और ये पौधारोपण का जो कार्यक्रम है, उसको हम आगे जारी रखेंगे। लेकिन हम यही गुजारिश करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि आपके चेहरा, आपका फोटो, आपका नाम कौन नहीं जानता है, लेकिन इस तरह से अचानक आप सरकारी कार्यक्रम में रात के अंधेरे में पुलिस भेज करके अपनी फोटो अब लगवाने लगेंगे आप, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के आपके अंदर बहुत ही गहरा डर पैदा हो चुका है, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। सर, इसमें तो अब आप लोगों तरफ से कोई नहीं जा रहा, आप नहीं और सीएम दोनों नहीं, कोई नहीं जाएगा। सर, सवाल ये है कि आपकी तरफ से, पर्यावरण विभाग की तरफ से और मंत्री दफ्तर की तरफ से एलजी जो है उनको क्या इसमें आमंत्रित किया गया था? हाँ, आमंत्रित किया गया था। उनकी तरफ से क्या कहा गया था कि क्या वो वहां पर आएंगे? हाँ। कार्यक्रम पूरी तरह से पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी था, उनको ही आयोजित करना था। पर्यावरण विभाग ही आयोजित कर रहा है, पर्यावरण विभाग ने ही मुख्यमंत्री जी को, एलजी साहब को, दोनों लोगों को वहां इनवाइट किया था, दोनों लोगों के लिए। इसलिए हमने तैयारी जो सारी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, हमने उसी से आपसे तैयारी की है। लेकिन उसमें जो अचानक कल रात में जिस तरह से वहां के सारे उसको कैंसिल करके और एक पुलिस आ करके मोदी जी का बैनर वहां जबरदस्ती लगाती है, ये बात मतलब समझ के एकदम परे है, क्योंकि मोदी जी को तो इस कार्यक्रम में आना ही नहीं था। सर, आप नाराजगी किस बात को लेकर है, अगर पर्टिकुलरली आप बता सकेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी नाराजगी किस बात को लेकर आई है कि नहीं? नाराजगी इस बात की है कि वहां पर पुलिस के संरक्षण में उस पूरे कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बनाया गया, वो तो सरकारी कार्यक्रम था, दिल्ली का वन विभाग उसे आयोजित कर रहा था। आपको बिना सूचना दिए सर ये फोटो हटा दी गई और खुद से उन्होंने कब्जा कर लिया, या आपको कोई सूचना दी कि हम प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं? नहीं, चेंजेस तो फाइल पे सारी नोटिंग होती है, सारा फाइल पे आदेश होता है, सारा डिसीजन हो चुका था, ये तो रात के अंधेरे में हुआ है, पुलिस आकर के रात के अंधेरे में की है। सर, एलजी साहब ने अब अधिकारियों को भी कहा है कि आप जिस तरीके की काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी नई आबकारी नीति में जिन अधिकारियों ने पूरा प्रोसेस तैयार किया है, उनके खिलाफ भी एलजी ने कहा है कि जांच होनी चाहिए,
तो क्या आप आपको लग रहा है कि एलजी भी जो तमाम जो अधिकारी हैं जो आपके साथ काम करते हैं उन पर भी एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए बात एलजी का है ही नहीं, ये बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश से कुछ नहीं हो सकता है। बात जो मैंने कहा कि जो पूरा घटनाक्रम पिछले एक डेढ़ महीने से चल रहा है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के बगैर नहीं चल सकता है। और रात के अंधेरे में पुलिस भेज करके मंच पे मोदी जी का, भाई एलजी साहब तो आमंत्रित थे, एलजी साहब का तो बैनर लगा हुआ था, मोदी जी का बैनर अचानक लगवाने का जो पुलिस ने कब्जा करके अभियान चलाया, तो वो तो ये साफ बात दिखा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पे हो रहा है। लोग ये जरूर समझना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री की फोटो लग जाती है प्रोग्राम में तो उसमें क्या आपत्ति है? देश के तो प्रधानमंत्री हैं। नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को रात के अंधेरे में पुलिस भेज करके पूरा मंच कब्जा करके और फोटो लगवानी पड़े तो कुछ तो मतलब समझ में आता है ना कि क्यों, वहां तो कुछ तो गड़बड़ी करने की कोशिश हो रही है ना। सुबह से सारे बैनर फाड़े जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, कार्यक्रम दिल्ली सरकार का और मुख्यमंत्री के सारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, मंच पे जो है पुलिस कब्जा करके बैनर लगा रही है, तो ये बात प्रधानमंत्री के लिए तो नहीं होती है। सर एक ऐसी ही और घटना देखी थी जब स्वच्छता से जुड़ा एक कार्यक्रम था और वहां पे एलजी के बैनर लगे थे, सीएम का बैनर पीछे कर दिया गया, दोनों को उसमें जाना था, सीएम वहां नहीं पहुंच पाए थे। फिर तो आपको लगता है कि लगातार ऐसी कोशिशें हो रही है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये घटना केवल बैनर की नहीं हो रही है, चाहे मुख्यमंत्री जी के सिंगापुर जाने यात्रा को कैंसिल करने का घटनाक्रम हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने का घटनाक्रम हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी के ऊपर फिर फर्जी केस बनाने का अभियान जो चल रहा हो, तो एक एक घटनाक्रम नहीं हो रहा, ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से ये घटनाक्रम हो रहा है, जिसमें रात की घटना ने इस बात को संदेश दिया है कि चीजें कहीं ना कहीं एकदम सोच के स्तर पे दूसरे लेवल पे चीजें काम हो रही हैं। भाई अगर अगर किसी को कुछ कहना था तो मुख्यमंत्री कार्यालय को उनको भेजना चाहिए, लेकिन पुलिस के दम पे आप कब्जा करके और कुछ भी कर लेंगे ये बात तो ठीक नहीं है। सर क्या पर्यावरण विभाग, क्योंकि ये महोत्सव मनाया जाना था और दिल्ली में काफी दिनों से आपकी ये मुहिम चल रही थी, क्या अलग से आप कोई और कार्यक्रम आयोजित करेंगे? नहीं, अभी तक तो देखिए हमने 35 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक हमारे इस पूरे अभियान में जो है वो 9 लाख पौधे लगे हैं, तो अब बाकी जो पौधे लगाने का अभियान है अभियान तो हम जारी रखेंगे, क्योंकि पौधे लगाना हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य जो है वो जबरदस्ती कब्जा करके फोटो लगवाना नहीं है, तो पौधे लगवाने का अभियान तो हम जारी रखेंगे।